फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पास्ता सैलड, और ये है फ्यूजेले, थिन फ्यूजेले पास्ता सैलड। तो वैसे तो पास्ता बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है, वाइट सॉस, पिंक सॉस भी मैंने शेयर किया है। अगर आप चाहें तो हमारे पास्ता के प्लेलिस्ट पे जाके उस रेसिपी को देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वेदिक्स डॉट इन जो हमारा वेबसाइट है, ब्लॉग है, उस पर भी आपको बहुत सारे रेसिपीज़ मिल जाएंगे पास्ता के, जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। वो सारे रेसिपीज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो पास्ता सैलड है, ये बिल्कुल फ्रेश फीलिंग देता है आपको। अगर आपको दिन में हेवी कुछ खाने का मन ना हो तो आप इससे ज़रूर ट्राई करें लंच के टाइम, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर एज अ स्टार्टर या साइड डिश के तौर पे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स, या फिर लंच या डिनर के टाइम भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, इससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पास्ता, और ये है फ्यूजेले थिन पास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। ऑल दो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा थिक है, जो नॉर्मल पास्ता होता है वैसा है, लेकिन ये वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे एक कप लेंगे और इसे हमें बॉयल करना है। इसके साथ ही साथ मैंने एक एक टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा कॉर्न भी लिया था, और जो पीस होते हैं वो भी लिए थे, और एक गाजर को मैंने छील के साथ में बॉयल कर लिया है। अगर आप चाहें तो गाजर को स्टीम करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अब इससे हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे और गाजर को अलग निकाल के उसे चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, और उतना ही हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे। साथ ही में यहाँ पे मैं मौसमी का जूस डाल रही हूँ, लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसे फ्रूटी बनाना चाहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अब सबको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग चॉप किया हुआ गाजर डालेंगे, साथ ही में प्याज डालेंगे, और इन सब की क्वांटिटी मैं आपको डिटेल में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ पे सबटाइटल में भी। साथ ही में यहाँ पे कैप्सिकम, ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स और टमाटर, सबको अच्छे से, जो भी आप एक्स्ट्रा डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिनो जो है वो मैंने घर पे बनाया था, उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी लिंक में, और साथ ही में धनिया पत्ता डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब की क्वांटिटी जो है मैंने लगभग 1/4 कप के करीब और एक एक टेबल स्पून के करीब लिया था। अगर आप चाहें तो उनकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे लगभग एक टेबल स्पून के करीब पिज्ज़ा एंड पास्ता सॉस। तो ये जो सॉस होता है ये इस रेसिपी में टेस्ट और बढ़ा देता है, तो इसे मत स्किप कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस में कुछ सीजनिंग्स डाल के, लाल मिर्च से और बाकी सारे सीजनिंग्स डाल के उसे बना सकते हैं, लेकिन ये सॉस बहुत अच्छा लगता है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं कभी और दे दूंगी आपको। और अब इसमें हम लोग इटालियन सीजनिंग डालेंगे, साथ ही में घर पे बना हुआ ही चिली फ्लेक्स डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसे सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।